हाँ जी, तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसमीटर और एनर्जी सेकर। तो ये दो तरह के लोग हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं एनर्जी ट्रांसमीटर्स और एक होते हैं एनर्जी सेकर्स। एनर्जी ट्रांसमीटर वो लोग होते हैं जो एनर्जी रेडिएट करते हैं, वो अपने उनके अंदर से एनर्जी निकलती है और उनके आसपास जो भी लोग होते हैं वो उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इतने पावरफुल लोग होते हैं। फिर एक होते हैं एनर्जी सकर्स। तो जो एनर्जी सकर्स होते हैं वो आपके अंदर से एनर्जी खींच लेते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं बेसिकली। तो ये होते हैं एनर्जी सकर्स। तो आपको दो जगह पे जज करना है कि कौन एनर्जी सकर है और कौन एनर्जी ट्रांसमीटर है। पहले तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं उसमें कौन कितने एनर्जी ट्रांसमीटर्स हैं और कितने एनर्जी सकर्स हैं। तो ये जज करने के लिए आपको बस देखना है, इसके लिए जज करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप उनके साथ रहोगे थोड़ी देर तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी खुद का जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर वो नीचे जा रहा है, वो ड्रेन हो रहा है, यानी आप किसी एनर्जी सकर के साथ बैठे हुए हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पर अगर आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाता जा रहा है जैसे जैसे आप उनसे बात करते जा रहे हो, तो फिर आप एक एनर्जी ट्रांसमीटर के साथ बैठे हो। तो आपको एनर्जी ट्रांसमीटर के साथ ज़्यादा समय रहना है और उनको अपने आसपास रखना है, और एनर्जी सकर को दूर रखना है जितना हो सके। अब बात करते हैं आपकी खुद की, कि आपको खुद को देखना है कि आप क्या हो, आप एनर्जी सकर हो या एनर्जी ट्रांसमीटर हो। क्योंकि अगर आप एनर्जी ट्रांसमीटर के साथ भी बैठ जाओगे और आप एक खुद एनर्जी सकर हो, तो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे और वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं जो भी है। क्योंकि आप जो भी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं आप उसको सिर्फ सकअप किए जा रहे हो, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप खुद को कैसे जज करोगे? तो पहली बात तो कि आपका कितना पॉजिटिव आउटलुक है, जब आप कितनी पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हो, आप किस एनर्जी से मूव करते हो, किस एनर्जी से बात करते हो, उन सारी चीज़ों से पता लगता है कि आपका कितना जो आपका एनर्जी लेवल है वो कितना हाई है और कितना आप एनर्जी ट्रांसमिशन कर रहे हो। तो जो भी सारा आपका जो एक्शन है, जो वाइब है आपके अराउंड, उससे पता लग जाता है कि आप एक एनर्जी ट्रांसमीटर है नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर कि यार ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा। तो वो बेसिकली एनर्जी सकर्स होते हैं। अगर आप वो इंसान हो तो आपको अपने आप को बदलना है, आपको एक एनर्जी ट्रांसमीटर बनना है, आपको हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ अच्छी है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है, और जब भी चलना है तो ऐसे चलना है एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक ऐसी ऑरा के साथ कि सबको लगे कि हाँ भाई ये इंसान एनर्जी ट्रांसमीटर है, इनके अंदर से एनर्जी रेडिएट होती है, आपको वो इंसान बनना है। तो ये फ़र्क होता है एनर्जी ट्रांसमीटर्स में और एनर्जी सकर्स में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमीटर को अपने पास रखना है और खुद एक एनर्जी ट्रांसमीटर बनने की कोशिश करनी है।